सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, सैमसंग ने अपना S सीरीज का एक नया स्मार्टफोन यानी कि लाइटर वर्जन यहां पे लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट। ये बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिल जाता है और जो प्राइस में देखने को मिलता है उस प्राइस में बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट की पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो डिस्प्ले में आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एवरेज स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 20:9 का इसमें एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले यानी कि एक पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको जो नोट 10 लाइट में डिस्प्ले देखने को मिली थी वैसी डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की आपको बैक देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जो प्राइस रेंज में आपको ऑफर की जा रही है, जो फ्लैगशिप लेवल की जो डिस्प्ले चाहिए वैसी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि जो S10 है उसमें आपको डायनेमिक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती थी, कर्व है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। तो इतना सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में S10 लाइट बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। अब बात आते हैं स्मार्टफोन के चिपसेट की। बताता हूँ कि इस स्मार्टफोन ने जो चिपसेट लगा है वो बहुत ही अच्छा है। स्नैपड्रैगन की तरफ से वाला 855 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन जो पावरफुल आपको देखने को मिल जाता है, और बताता हूँ इसमें आपको 7 NM बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टाकोर पावर है, 2.84 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है और एड्रिनो का 640 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज आपको जो पबजी जैसे गेम आसानी से आप खेल सकते हो। अगर मैं बात करूँ S10 में तो S10 में आपको 9820 का आपको प्रोसेसर देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा चेंज देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 855 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब बात आते हैं स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरियंट की। बता दूंगा इसमें आपको सिंगल वेरियंट देखने को मिल जाता है। इंडिया में 8GB की रैम है और 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये डेडिकेटेड नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है स्मार्टफोन के रियर कैमरा की। तो इस फोन की मेन हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। इसमें जो प्राइमरी लेंस है वो 48MP का प्राइमरी लेंस है, जिसमें आपको सुपर स्टेडी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है OIS के साथ में। ये बहुत अच्छी बात है, ये अलग से आपको EIS नहीं, लेकिन ये आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये कैमरा के मामले में बहुत ही अच्छा है। F2.0 के aperture के साथ में देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा वो 12MP का है, जो एक आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है F2.4 के aperture के साथ में। तीसरा जो कैमरा वो 5MP का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जो F2.4 के aperture के साथ में देखने को मिल जाता है। और ड्यूल टोन एडिट फेस देखने को मिल जाती है। 4K और 10B तक की 1360fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 240fps तक का फुल HD तक का स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। स्लो मोशन रिकॉर्डिंग के मामले थोड़ा सा पीछे है। S10 की बात करते हैं, S10 में आपको 916fps तक का सुपर स्लो मोशन देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको 240fps तक का ही सुपर स्लो मोशन देखने को मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी जो कैमरा फीचर्स है वो आपको फ्लैगशिप लेवल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, तो कैमरा के मामले कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की। तो सेल्फी में आपको 32MP की पंच होल कैमरा डिजाइन में आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है F2.2 के एपर्चर के साथ में। HDR कैमरा और 10B तक की 13fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी जो AR और AI के ऑप्शन है वो सभी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं इस कैमरा के मामले में। तो 32MP की सेल्फी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट में। अब बात आती है स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बता दूंगा इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाती है। 4500mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जो वही सेम बैटरी है जो आपको नोट 10 लाइट में देखने को मिली थी। इसमें भी आपको एक लाइट वर्जन में आपको बैटरी बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाती है सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में। बता दूंगा इसमें आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको One UI 2 का आपको एक कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर और बैटरी के मामले में इसमें कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आपको आराम से एक दिन आराम से आप निकाल सकते हो स्मार्टफोन में। अब बात आती है स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की। बता दूंगा इसमें नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। टाइप सी का पोर्ट है, हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको कोई भी 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ी नाराजगी वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको S10 में आपको 3.5 का जैक देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलता। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0, NFC और सैमसंग पे का भी ऑप्शन देखने को
मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले थोड़ा सा ही कॉम्प्रोमाइज है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है स्मार्टफोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की। तो बता दूंगा इसमें जो S10 में जो आपको कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं वैसे ही कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी आपको प्रिज्म ब्लैक, प्रिज्म ब्लू और प्रिज्म व्हाइट, ये तीन अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जबकि प्राइस की बात आती है, प्राइस बहुत ही अच्छी है, 39,999 रुपीज की प्राइस में फोन पड़ता है, जो फोन बहुत ही है। इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है फ्लिपकार्ट और सैमसंग की वेबसाइट से, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। अगर इसकी जो ऑफिशियल सेलिंग की बात करो तो वो 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। अब बात आती है इस स्मार्टफोन की ऑल ओवर कंक्लूजन की, बता दूंगा जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो प्राइस रखी गई है वो प्राइस बहुत ही एग्रेसिव है, क्योंकि जो प्राइस रेंज में आपको जो ऑफर किया जा रहा है, जो इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी कंपनी अभी तक आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी दो ऑप्शन ही देखने को मिलते थे, जैसे कि आपको OnePlus का डिवाइस है या Asus का ROG फोन है वो ही आप ले सकते थे, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको वही फिट बैठता था। लेकिन यहाँ पे आपको सैमसंग की जो S सीरीज है और नोट सीरीज में दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ये बता चाहूंगा ये बहुत ही अच्छा वेरिएंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो डिस्प्ले क्वालिटी वो भी आपको बेटर देखने को मिल जाती है और जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं S10 में, तो S10 में भी आपको जो Exynos का प्रोसेसर देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको Snapdragon का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। दूसरी बात, इसमें जो आपको एक नारंगी वाली बात यहाँ पे ये आती है, क्योंकि इसमें आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, अगर एक दूसरा वेरिएंट देखने को मिलता तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, जैसे कि हमको Note 10 Lite में देखने को मिला था वैसा जो वेरिएंट देखने को मिला था तो बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन यहाँ पे सेटफुली जो है वो आपको एग्री करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें जो कैमरा सेटअप है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जो OIS के साथ में देखने को मिल जाता है और सुपर स्टेडी के साथ में कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कैमरा के मामले में कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है फास्ट चार्जिंग के साथ में, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई आपको ये स्मार्टफोन फ्लैगशिप लेवल का आपको मजा लेना हो तो ये स्मार्टफोन ले सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी रोजी की वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।